हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करेंगे देवनारायण स्कूटी एवं प्रोत्साहन योजना की। अपन बात करने वाले हैं देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन योजना की। अपन बात करने वाले हैं जिसके तहत आपको स्कूटी और साथ ही साथ आपको 70,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप इस योजना के तहत दी जाती है। पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि फॉर्म कब से इसकी शुरू हो गए हैं, कब तक इसकी जो है लास्ट डेट रहने वाली है, कैसे आवेदन किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स क्या रहता है, पूरा प्रोसेस में जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपको बता दें कि 2023 और 2024 के लिए इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं जो कि 1 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई तक चलने वाले हैं। 1 जुलाई से आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं जो कि 31 जुलाई तक चलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन जो है इसमें आवेदन कर सकता है। देखिए इसमें 5 जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं। मैं वो बात बता देता हूं कौन कौन सी 5 कास्ट रहने वाली हैं। गुजर, रैबारी, गडरिया, लुहार और बंजारा जाति की जो है छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकती है। ये योजना सिर्फ लड़कियों के लिए यानी छात्राओं के लिए है, वो भी 5 जातियों की जो है ये छात्राएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। गुजर, रैबारी, गडरिया और लोहार और बंजारा जाति की जो छात्राएं इसमें आवेदन कर सकती हैं उनकी 12th में अगर 50% से ज्यादा है यानी उसकी इस साल में यानी इस वर्ष में अगर आपकी 12वीं में 50% से ज्यादा परसेंटेज है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें स्कूटी कितनी दी जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आपके परिवार की जो वार्षिक आय इसमें 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आपके परिवार की वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है रेगुलर जो है कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, लेकिन आपका जो एडमिशन है वो रेगुलर होना चाहिए। आपको बता दें इसमें लगभग 1500 स्कूटी दी जाती है। तो आप कहेंगे बाकियों को क्या दिया जाता है। देखिए बाकियों को जो है इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो भी कैसे दी जाती है उसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, आवेदन प्रोसेस क्या रहता है। देखिए आप अपनी SSOID के माध्यम से भी इसमें आवेदन कर सकते हैं या किसी भी नजदीकी ई मित्र केंद्र पर भी जाकर आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस योजना के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपके पास आपका जन आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मूल जाति होना चाहिए, 10वीं 12वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, कॉलेज रसीद जो आपने फीस भरी है वो रसीद आपके पास होनी चाहिए, कॉलेज की जो आपकी रेगुलर है वो ID आपके पास होनी चाहिए, आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए परिवार का जो कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो और 6 महीने से ज्यादा इसमें जो है आय प्रमाण पत्र पुराना नहीं हो, तो यानी लेटेस्ट का आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए और एक शपथ पत्र होना चाहिए कि आपने जो है अन्य किसी जो है छात्रवृत्ति योजना का जो है लाभ नहीं लिया है, वो शपथ पत्र भी आपको इसके तहत देना होता है। अब बात कर लेते हैं प्रोत्साहन राशि को लेकर। देखिए इसमें लगभग 70,000 रुपए तक की जो है आपको प्रोत्साहन राशि दी जाती है 5 साल के लिए BA और MA में जो आपको दी जाती है। मैं बात कर लेता हूं अगर आपकी जो है BA अगर आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA BSc BCom कर रहे हैं, अगर आपकी हर ईयर में 50% बनती है तो आप इस योजना के लिए हर साल आवेदन कर सकते हैं। जैसे आपकी फर्स्ट ईयर में 50% बनी, सेकंड ईयर में 50% बनी और थर्ड ईयर में, तो इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपको हर साल BA में जो है ग्रेजुएशन में 10,000 रुपए की जो है आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है। बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG यानी MA MSc MCom में भी आपकी जो है अगर 50% से ज्यादा मिलती है तो हर साल आपको 20,000 रुपए दिए जाते हैं इसके तहत, यानी आपको जो है ग्रेजुएशन में लगभग 30,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएशन में 40,000 रुपए की जो है इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। इस हिसाब से जो है आपको 70,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि इस योजना के तहत दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन योजना के तहत लगभग 1500 से ज्यादा स्कूटी वितरण की जाती है। साथ ही साथ जो है कुछ जो है इसमें बाकियों को जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है छात्राओं को, जिसमें देखिए सिलेक्शन जो है मेरिट के लिस्ट के हिसाब से होता है। आप फॉर्म भरने की आपकी लिस्ट आती है उसमें आपका नाम आता है तो स्कूटी दी जाती है, बाकियों को जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि मैंने आपको बताया 70,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, लेकिन आपकी हर ईयर में 50% से ज्यादा होनी चाहिए और आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो जब आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपको जो है 70,000 रुपए तक इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो ये थी देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना और प्रोत्साहन योजना। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए।